स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आप बलेनो खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। सबको ये जानने का सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है कि एक गाड़ी का माइलेज कितना रहता है, एक गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। तो आज हम वही एवरेज चेक करेंगे, अभी इस गाड़ी का एवरेज कितना है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं इसका एवरेज कितना दे रही है। पहले हम देख लेते हैं ये गाड़ी कितना पुराना है, कितना किलोमीटर रन हुआ है, क्योंकि एवरेज रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नया गाड़ी होता है तो थोड़ा एवरेज कम रहता है, धीरे धीरे ज्यादा चलने के बाद इसका एवरेज अच्छा एवरेज देना शुरू कर देता है। तो देखते हैं कि इसका मतलब कितना रन हो चुका है अभी तक। ये जो की है लेफ्ट साइड में आपका डैशबोर्ड में होता है तो उसमें दिखाई देता है कितना किलोमीटर रन हुआ है। तो प्रेस करते हैं इसको। हाँ, ये देखिए 1846 किलोमीटर इसका रन हो चुका है। तो अभी हमको चेक करना है कि अभी इसका एवरेज कितना है। तो इसके लिए ये राइट साइड वाला जो की है इसको प्रेस करना पड़ेगा। हाँ, अभी अभी आप देख सकते हैं कि जीरो जीरो दिखा रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका वजह यह है कि ये मतलब रियल टाइम माइलेज ट्रैकर है। जब आप गाड़ी रन करेंगे तो रियल टाइम में कितना माइलेज होता है इसमें शो करेगा, उसी वक्त मतलब कितना माइलेज दे रहा है इसमें शो करेगा। तो फिर इसको मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो आएगा कि एवरेज माइलेज कितना है। हाँ, अभी आ गया है, देखिए 17.5 किलोमीटर दिखा रहा है। कि इसका दूसरा सर्विसिंग भी अभी नहीं हुआ है और 2000 किलोमीटर भी रन नहीं कर चुका है ये गाड़ी, तो 17.5 किलोमीटर एक अच्छा माइलेज माना जाएगा। इसका जो कंपटीटर्स है जैसे कि i20 हो या अब पकड़ लीजिए कि फोर्ड का जो एस्पायर है उसका माइलेज इतना नहीं रहता है। फोर्ड में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ट्राई किया था तो फोर्ड एस्पायर में, तो उसका माइलेज था करीब एवरेज दिखा रहा था 12.5 से 13.5 किलोमीटर पर लीटर के बीच में। तो इस हिसाब से ये 17.5 किलोमीटर वाला माइलेज अच्छा ही माना जाएगा। और हम ये मान के चल सकते हैं कि दूसरा सर्विसिंग होगा तो इसका माइलेज और भी आगे जाएगा, और भी इंक्रीज होगा अप टू 20 किलोमीटर पर लीटर। ये हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये गाड़ी थोड़ा पुराना होने के बाद 20 किलोमीटर दे सकता है। लेकिन एक बात है कि माइलेज डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। आप अगर हायर गियर में गाड़ी चलाएंगे और अच्छे रोड पे चलाएंगे तो एक अच्छा माइलेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं।